सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और दीपक ऑटो रिपेयर के अपकमिंग वीडियोस देखें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, दीपक ऑटो रिपेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा हीरो की जो मेस्ट्रो है उसका इंजन जो है उसकी फिटिंग किस प्रकार से करनी होती है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे पास में ये मेस्ट्रो का इंजन है। ये इंजन हमें होंडा एक्टिवा, मेस्ट्रो, डुइट इन सब गाड़ियों में मिल जाता है। हीरो की और होंडा की जो स्कूटी होती है उनमें सब में स्कूटर में एक ही इंजन आता है। तो हम आज इसकी फिटिंग करके आपको बताएंगे कि इनकी फिटिंग किस प्रकार से करनी होती है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा काम होता है, इसमें ज़्यादा जो है कोई कुछ होता नहीं है। एक चैम्बर के अंदर तो एक रिंग होती है और बाकी एक टाइमिंग चेन होती है और सब जो है बाहर की साइड में लगा हुआ होता है, क्रैंक के ऊपर चलती है। और इसका जो गियर होता है वो यहाँ पे पीछे की तरफ होता है, तो वो गियर यहाँ पे है, तो जिसको मैंने खोला नहीं है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से खोलना है और क्या होता है इसके अंदर। क्या है कि दोस्तों, ये जो स्कूटी है ये अभी तक जो है 8000 कुछ किलोमीटर तक ही चली है और इसकी क्रैंक जो है वो जाम हो गई थी। इसमें जो बैंडेज होता है सेल्फ को काम करने के लिए, वो बैंडेज यहाँ से टूट गया था, तो मैं आपको एक बार बैंडेज जो है वो दिखाता हूँ। तो ये बैंडेज जो है इस तरह का होता है और इसको हम जब भी सेल्फ का जो बटन दबाते हैं तो इस टाइम पे ये क्या होता है दोस्तों, ये बाहर आता है ऐसे घूम के। इसमें जो वेरिएटर जो तवा होता है उसमें आके ये लगता है और उसके बाद में इंजन जो है हमारा घूमता है और उसके बाद में बाइक स्कूटी जो है स्टार्ट होती है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है और वो यहाँ से टूट जाती है और उसके बाद में ये जो है अटकने लग जाता है और ये यहाँ पे रह जाता है। और जब बाइक को हम चलाते हैं तो थोड़ी देर तक वो साउंड करता है और फिर धीरे धीरे अंदर जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कई बार ये दोस्तों अंदर नहीं जाता है तो उस टाइम पे क्रैंक जो है हमारी झटका लगता है और क्रैंक जो है जाम हो जाती है और बैंड हो जाती है, उसका अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाता है, एकदम से जो है खराब हो जाती है। तो उसके बाद में बाइक हमारी सलप में स्टार्ट नहीं होती है। तो बैंडेज का हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हमारे पास में जो भी स्कूटी है उसमें अगर सेल्फ जो है लेते हैं उस टाइम पे अगर कोई तरह का साउंड जो आता है तो अगर वो थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद रुक जाता है तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है कि हमें बैंडेज जो है चेंज करवा लेना चाहिए। तो अभी दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके पास में जो घंटी का बटन है उसे भी एक बार जरूर दबा दें, जिससे बाइक से जुड़ी सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्रैंक को हम लगा देंगे। तो ये गियर है और आपको यहाँ पे मैंने क्रैंक का अलाइनमेंट जो है वो मिलाया। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो यहाँ पे पिन लगती है इसमें, तो इसमें ये दो पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट जो है ये दोनों बराबर नहीं थे यहाँ से, और यहाँ से फिर बराबर नहीं होते तो ये बेयरिंग जो है यहाँ पे हिलते हैं ऐसे। और इसका अलाइनमेंट जब ख़राब हुआ था उस टाइम पे एक पार्ट तो ऊपर था थोड़ा सा, एक नीचे था, तो जिससे यहाँ से हिल रहा था दोनों साइड से, तो मैंने इसका अलाइनमेंट जो है वो सही कर दिया। और इसका जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, मैंने क्रैंक बनाने का वीडियो जो है बना के चैनल पे डाला है, तो आप इसको ज़रूर देख लें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास में क्रैंक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने क्रैंक को फिटिंग कर दिया। अभी देखिए जो है यहाँ से एकदम से सीधी चल रही है, तो यहाँ पे सीधी चल रही है। तो पहले जो है यहाँ से ये ऐसे टेढ़ी चल रही थी, बहुत ज़्यादा टेढ़ी चल रही थी, यहाँ तक जो है इतनी टेढ़ी चल रही थी। तो अब हम इसमें ऊपर का जो कवर है वो लगाएंगे। इसमें यहाँ पे कोई गियर वगैरह कुछ नहीं होते, एकदम से सिंपल सा काम होता है। हमने यहाँ पे क्रैंक को रख दिया और उसके बाद में ये कवर लगा देंगे। चलो ये तो यहाँ पे हम इसमें जो गैस्केट बनाने के लिए जो पैकिंग जो है हमें बनानी है, तो यहाँ पे इसकी लगानी होती है, एना बोर्ड हम यूज करेंगे, इसमें पैकिंग नहीं लगती इसमें। दोस्तों ये जो कवर है ये हम लगा देंगे, चैम्बर को जो है
हम बंद कर देंगे, चैम्बर को जो हमने बंद कर दिया, और अब हम इसके जो बोल्ट है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो सारे बोल्ट है वो यहाँ पे लगा दिए। तो ये हमारा यहाँ पे ऑयल पंप होता है, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल पंप जो है वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसमें यहाँ पे ऑयल पंप की गियर है, वो लगा देंगे। अब ये इस गियर के साथ में अटैच हो गया और फिर ये यहाँ से काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर हम ये कवर लगा देंगे। ये एक बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे, ये यहाँ पे छोटा बोल्ट लगेगा। सारे बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हम ये मैग्नेट कॉइल जो है वहाँ पे लगा देंगे, चैम्बर जो हमने फिटिंग कर दिया उसके बाद में ये मैग्नेट कॉइल लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक पत्ती होती है, ये यहाँ पे लगा ली होती है, तो ये लगा देंगे इसको कॉइल के नीचे, ताकि ये वायर जो है ऊपर ना आए। इनको दोनों को टाइट कर देंगे अच्छे से। दोस्तों इसके बाद में हम इस पे ये जो मैग्नेट है ये लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक वाशर है जो यहाँ पे हम लगा देंगे, और उसके बाद में इसको हम टाइट कर देंगे मैग्नेट को। तो इसको यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर इसके बाद में फैन जो है उसकी ताड़ी जो है वो लगा देंगे। तो ये दोस्तों होता क्या है कि जब हमारी स्कूटी होती है, स्कूटर जो भी है उनमें सब में क्या होता है कि सामने से जब भी इंजन को हवा नहीं लगती है, वो क्या है कि बॉडी के अंदर छिपा हुआ रहता है इंजन पूरा, तो उसमें हवा नहीं लगती है। यहाँ पे ब्लॉक और हेड पे जो है हवा लगेगी तभी हमारी गाड़ी है वो चलेगी, नहीं तो गाड़ी जो है सीज हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, बाइक में तो क्या है सीधी सामने से हवा लग जाती है, और स्कूटर में क्या होता है दोस्तों इसमें हवा तो लगती नहीं है, तो उसमें यहाँ पे जो प्लास्टिक की जो चारों तरफ बॉडी बनाई होती है उसमें ये पंखा जो है ये हवा खींचता है और पूरे में उसको हवा डाल के ठंडा करता है, तो उसके लिए पंखा होता है। तो हम इसको लगा देंगे, तो यहाँ पे इस पे बोल्ट लगा देंगे। तो इनको यहाँ से अच्छे से टाइट कर देंगे, उसके बाद में हम जो अभी ये सामने का जो ब्लॉक है उसको लगाएंगे। से पहले तो हमें अच्छे से सफाई करनी होती है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें ये जो पिस्टन है वो हम लगा देंगे। तो इसमें देखिए एक ये इनलेट होता है, एक एग्जॉस्ट होता है, तो इनलेट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, कार्बोरेटर की तरफ रखेंगे, इनलेट को जो है कार्बोरेटर की तरफ रखेंगे। तो इसमें हम ये जो लॉक है पिस्टन का ये हम लगा देंगे।
तो लोग यहाँ पे हमने लगा दिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मोबिल डाल लेंगे। ये पैकिंग जो है वो यहाँ पे लगा दिए, हम इसमें ये डावल लगा देंगे। डावल हमने लगा दिए, इसके बाद में हम इसमें ब्लॉक को डालेंगे। और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो हमारा सेट हो गया है। और उसके बाद में ऊपर जो ऑयल है ये निकाल देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे ये जो टाइमिंग है ना इसकी गाइड होती है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। लाइट को लगाने के बाद में दोस्तों हम इसलिए ये गैस किट जो है तो यहाँ पे दोस्तों ये डावल है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। और दूसरी जो डावल है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद में ये हेड है, ये हेड हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये डावल जो है हमने यहाँ पे लगा दिए, गैस किट हमने लगा दिए। उसके बाद में हेड को हम फिटिंग कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम ऊपर से बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देंगे। हमने इसको टाइट कर दिया और अब हम इसमें जो है यहाँ पे इसकी जो बोल्ट है वो लगाएंगे। तो दूसरा जो बोल्ट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे और दोनों को हम टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब ये हमारी फिटिंग जो है पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें क्या है कि ये जो टाइमिंग है तो यहाँ पे ये लॉक है, ये हम लगा लेंगे और इसको यहाँ पे एक बार रख देंगे। और तो ये वायर है हम इसको यहाँ से डाल देंगे। और इसमें जो टाइमिंग चेन है वो हम बांध लेंगे। ये दोस्तों तो अब हम टाइमिंग को मिलाएंगे, हमने टाइमिंग चेन को जो है यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हम टाइमिंग जो है वो मिलाएंगे। तो इसके लिए हमें और मैं आपको बता दूँ, इसको हमने यहाँ पे रख लिया है। और ये जो गेम शाफ्ट है इसको हमने यहाँ पे देखिए फ्री है, इतना घूम रही है। और दूसरी साइड में अगर हम इसको रखते तो वहाँ पे इतने घूमती नहीं है। तो हम जहाँ पे थोड़ा बहुत आधा जो राउंड लेती है वहाँ पे इसको रखना होता है। तो उसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया। और उसके बाद में दूसरी साइड में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ये टी दिखाई दे रहा है और ये एफ दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ लाइन दी है। तो ये एफ की लाइन है और टी की लाइन है। ये जो टी की लाइन है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो टी है इसको हमें इस लाइन पे मिलाना होता है। ये आपको अंदर की तरफ मिलेगी लाइन, देखिए यहाँ पे। और दूसरा जो है आप यहाँ पे देखिए प्लग जो है, ये प्लग का होल है जिसमें आप पिस्टन को देखेंगे कि टॉप में है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए अभी मेरा जो ये तो
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अंदर देखिए पिस्टन जो है दिखाई दे रहा है। अभी देखिए अंदर जा रहा है, देखिए बाहर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना पलक के हॉल में। और तो इसको हमें टॉप पे रखना होता है। और देखिए अभी मैंने इसको टॉप पे रख लिया और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए टी की लाइन जो है इसके सामने है अभी यहाँ पे। और तो यहाँ पे हमें टाइमिंग को सेट करना होता है, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद में हम टाइमिंग की जो गियर है आगे की वो लगाएंगे। तो ये गियर होती है हमारी, तो इसको हमें यहाँ पे फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इसको अब हम इसके जो बोल्ट है वो हम लगा देंगे। ये जो लाइन है यहाँ पे आपको सीधी दिखाई दे रही है, वो ये जो बॉडी है हेड की इसके सामने एकदम से सीधी होनी चाहिए, तो वो मैंने सेट कर दिया। तो अब आप इसमें ये जो बोल्ट है वो बोल्ट लगा सकते हैं। टाइट कर दिया है, उसके बाद में अब हम यस। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो टाइमिंग चेन है यहाँ से हमने डाली थी, तो इसके ऊपर ये एक ऑयल सील लगती है, तो ये ऑयल सील हम डाल देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों ये लॉक जो है हम यहाँ पे वापस लगा देंगे। इसको लगा दिया, अब हम इसमें ये जो फिटिंग है वो हम करेंगे। दोस्तों ये गोली है, ये क्लच होते हैं, तो इनको हम चेक कर लेंगे कि कोई खराब तो नहीं है। तो इसका क्लच जो है एकदम से सही है अभी, तो हम इनकी फिटिंग कर देंगे। और ये हमारे पास में क्लच हब होता है इसका, तो ये क्लच की फिटिंग हम करने वाले हैं अभी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये गोलियाँ होती हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ये गोलियाँ जब हम इसमें यहाँ पे फिटिंग कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः गोली होती है, तो इन छहों को जब हम इसमें डाल देंगे, तो उसके बाद में क्या होता है, जब दोस्तों हमारी क्रैंक जो होती है वो जब आरपीएम लेती है, उस टाइम पे ये गोलियां क्या होती है, ये यहाँ पे पीछे आती है, सारी की सारी ऐसे पीछे खिसकने लग जाती है ऑटोमेटिक। ये इसमें इनमें थोड़ा वजन ज़्यादा होता है, हेवी होती है, तो इनमें प्रेशर होता है। अगर हम किसी भारी चीज़ को अगर हम ज़ोर से घुमाएंगे तो वो अपनी तरफ उसको खींचेगी, तो उसी प्रकार से इसमें वजन होता है थोड़ा। तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ ज़ोर लगाएंगे, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ ज़ोर लगाएंगे। तो उसके बाद में इसके ऊपर ये प्लेट होती है, तो ये प्लेट होती है, तो ये यहाँ पे इसकी दबी हुई होती है, और जब वो गोलियां जो है वो यहाँ से प्रेशर करेगी तो ये प्लेट यहाँ से खुलेगी, और खुलेगी तो ये जो साइड होती है ये इधर ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, तो बेल्ट जो होता है दोस्तों वो टाइट होता है इसमें, तो बेल्ट टाइट होगा, उस टाइम पे क्या होगा, बेल्ट पहले यहाँ पे चलता है, नीचे चलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो उस टाइम पे बेल्ट जो है धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो इसका मतलब इसका राउंड बड़ा हो गया, मतलब ये पहले यहाँ पे जब एक राउंड लेता था तो हमारी जो स्कूटर है वो थोड़ा चलती थी, उसके बाद में अगर थोड़ा और ज़्यादा अगर बड़ा राउंड लेगी तो यहाँ से टायर भी राउंड ज़्यादा लेगा। और ये पीछे वाला जो है इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले बेल्ट जो है वो ऊपर की तरफ चलता है, और जब जब यहाँ से जब ये बेल्ट जो है यहाँ पे फैलेगा उस टाइम पे इसमें बेल्ट छोटा होएगा, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो
दोस्तों इसके बाद में हम ये वेरिएटन फैन जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। वेरिएटर फैन को हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में इसके ऊपर ये जो रेचिट होता है, किक का जो रेचिट है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके ऊपर ये वाशर लगा के तो इसको यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिया, यहाँ तक कि हमारी फिटिंग जो है वो पूरी हो गई है। अब हम इसमें ये जो बैंडेज है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और इसके ऊपर ये कवर है। दोस्तों यहाँ तक की हमारी फिटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। फिर इसके बाद में हम ये टेपिट भी हमारा एकदम से यहाँ से सही है और ऊपर वाला टेपिट जो है ये भी देखिए यहाँ से एकदम से सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर जो कवर है वो कवर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको सफाई कर लेंगे, यहाँ से अच्छा सा साफ करके। तो इसके बाद में यहाँ पे ये कवर है, टेपिट कवर, वो हम लगा देंगे। ये जो टेंशनर है ये लगा देंगे। तो यहाँ पे ये टेंशनर को है जो टाइमिंग चेन जो एडजस्टर है उसको लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो सारी इसकी एक्सेसरी जो है साइड की उसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये कवर लगा देंगे हैंड कवर। तो दोस्तों मैंने बोला था उस तरीके से जैसे यहाँ से फिटिंग हो जाता है पूरा, और इस पंखे से जो है यहाँ पे हवा बनती है और यहाँ पे भी पूरे पे कवर आ जाएगा। उसके बाद में ये जो पंखा है वो पूरे ब्लॉक पे और ये हेड और ब्लॉक के दोनों पे साथ में जो है यहाँ पे पूरे पे हवा डालता है और एयर जो है सर्कुलाइज होती है तो उससे ये ठंडा हो जाता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ जो कवर है वो आ गया। ये यहाँ पे फिटिंग हो गया और फिर इसके नीचे का कवर आएगा वो लगा देंगे। तो यहाँ पे जो पीछे का व्हील है टायर को हम लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ से आगे जो मेन स्टैंड होता है वो इस पर लगा लेंगे ताकि फिटिंग करने में आसानी हो जाए। और हाफ इंजन जो है वो स्टैंड के ऊपर ही होता है और पीछे का टायर अगर लगा रहेगा तो आसानी रहेगी काम करने में। हमें तो क्या है कि यहाँ से चैम्बर जो है वो खोलना था, फुल इंजन का काम करना था, तो इसके लिए हमने मेन स्टैंड और टायर को निकाल दिया था ताकि वेट कम हो जाए इसका। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंजन जो है वो फिटिंग हो गया। तो यहाँ से ये जो झूला है वो लगा देंगे जिस पे ये इंजन जो है लटका हुआ रहता है, बॉडी से जो अटैच होता है।
इस प्रकार से ये इंजन जो है हमारा तैयार हो जाता है। और फिर इसके नीचे जो इसकी पैकिंग है, ये नीचे का जो कवर है वो हम लगा देंगे। तो ये पीछे का कवर है, ये हम लगा देंगे। ये हमारे मेस्ट्रो का इंजन है, स्कूटर का इंजन है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसमें जो फिटिंग होनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे हो चुकी है। अभी हमें क्या करना होता है, इसका एक मेन जो एक्सल का जो बोल्ट है यहाँ पे जो बॉडी पे लगेगा, एक तो वो डालना होता है, और एक यहाँ पे एक ये सॉकर लगेगा, यहाँ पे ये बोल्ट लगाना होता है। और उसके बाद में इसकी जो वायरिंग की फिटिंग है और एक एक्सीलेटर का वायर, ये सब चीज़ें हमें अभी लगानी है। बाकी सारी फिटिंग जो है वो हो चुकी है, इसकी पूरे इंजन की फिटिंग जो है नीचे ही हो जाती है, स्कूटर में हम लगा देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके हमें बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और आगे भी आपको बाइक से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो घंटी का बटन है उसे भी आप एक बार जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।